आपके पास रेडमी का कोई भी डिवाइस है और उस डिवाइस में नेविगेशन बटन अगर आपके एप्लीकेशन में वर्क नहीं कर रहा है तो कैसे ठीक कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले होम स्क्रीन में देख सकते हैं इस प्रकार का मेनू बटन देखने को मिलेगा, होम बटन देखने को मिल जाएगा और आपको बैक बटन देखने को मिल जाता है। तो ये आपको बटन देखने को मिलता है, पर होता क्या है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं उस एप्लीकेशन को जैसे आप वहाँ पे ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के बाद ये जो नेविगेशन बटन देखने को मिलता है ये वहाँ पे हाइड हो जाता है और आप यहाँ से उस एप्लीकेशन से बैक हो नहीं पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे YouTube को ओपन कर लिया है और YouTube को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्क्रीन आ चुका है और मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्वैप करता हूँ तो आप देखिए नेविगेशन बटन यहाँ पे नहीं आता है, शो नहीं करता है, जिससे क्या होता है कि इस एप्लीकेशन से आप बैक नहीं हो पाते हैं। ये आपको गेम में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, अगर आप गेम प्ले कीजिएगा तो उसमें भी नेविगेशन बटन का ये इशू देखने को मिल जाता है। तो जो नेविगेशन बटन होता है वो डिसेबल हो जाता है जिसके चलते ये वर्क नहीं करता है। तो इसको कैसे ठीक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं नेविगेशन बटन यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेविगेशन बटन को कैसे इनेबल किया जाता है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं इसमें मैंने जेस्चर को ऑन कर लिया है और जेस्चर को ऑन करने के बाद अगर कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कीजिए तो इस प्रकार से जेस्चर यहाँ पर वर्क करता है और बैक बटन इस प्रकार से वर्क करता है। तो नेविगेशन बटन को इनेबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जैसे आप वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद आपको होम स्क्रीन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आप यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं होता है तो ऊपर में सर्च वाला जो ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं सिस्टम नेविगेशन। आपको सिस्टम नेविगेशन पे टैप करना है, देन दो ऑप्शन मिलेंगे जेस्चर और बटन का, आपको बटन पे क्लिक कर देना है। बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा ये आप देख सकते हैं नेविगेशन बटन यहाँ पे आ चुका है, ये तीनों नेविगेशन बटन यहाँ पे आ चुका है। उसके अलावा मिरर बटन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो बटन है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मिरर भी कर सकते हैं। साथ में बटन शॉर्टकट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपको तीन नेविगेशन बटन देखने को मिल रहा है इसका एक शॉर्टकट फंक्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं, चाहे वो होम स्क्रीन का हो, मेनू बटन का हो या बैक बटन का हो, या मान लीजिए कि दो बटन को यूज़ करके आप यहाँ पे एक शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये शॉर्टकट बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर ले। तो मैं यहाँ पे सभी को यहाँ पे नन करके रखने वाला हूँ। अब यहाँ पे मेन बात आती है ऑटोमेटिक डिसेबल नेविगेशन बटन के बारे में, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन देखने को मिला इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने में देखिए काफ़ी सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं इसमें नेविगेशन बटन वर्क करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये शेयर में देखने को मिलेगा जिसमें नेविगेशन बटन नेवर डिसेबल किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को देख लेना है जिसमें नेविगेशन बटन वर्क नहीं कर रहा है, वो अगर आपका ऑलवेज डिसेबल वाले ऑप्शन पर सेट किया हुआ रहेगा तो होगा क्या कि जो नेविगेशन बटन रहेगा उस एप्लीकेशन में वर्क नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, नेवर डिसेबल पे क्लिक कर देना है और नेवर डिसेबल पे जैसे आप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा तो जो भी एप्लीकेशन यूज़ कीजिएगा उसमें नेविगेशन जो बटन है वो शो होना चालू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है और सेट करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि नेविगेशन बटन यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैंने फिर से यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कर लिया है और ओपन करने बाद नेविगेशन बटन कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पे स्वैप कीजिएगा तो देख सकते हैं ये नेविगेशन बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहले शो नहीं हो रहा था पर अब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप गेम प्ले कर रहे हैं तो गेम प्ले करने के दौरान भी आप इस प्रकार से नेविगेशन बटन को फिर से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से नेविगेशन बटन का अगर प्रॉब्लम मिल रहा है तो आप 100% इसको फिक्स कर सकते हैं।